जनरेटर सील ऑयल सिस्टम हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम के ऊपर एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी का पार्ट है। ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर प्लांट ऑपरेट करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। पिछले एक लेक्चर में हमने जनरेटर हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया था। उसमें हमने हाइड्रोजन सील का जिक्र किया था, लेकिन उसको विस्तृत रूप में नहीं बताया था। हाइड्रोजन सील जनरेटर के अंदर भरी हुई हाइड्रोजन को बाहर निकलने से रोकता है और बाहर की हवा को जनरेटर में जाने से रोकता है। यह काम हाइड्रोजन सील कैसे करता है, इस बारे में इस लेक्चर में विस्तृत रूप से बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि इस कार्य प्रणाली में जनरेटर सील ऑयल सिस्टम का क्या महत्वपूर्ण योग है। यह डायग्राम जनरेटर सील रिंग को दर्शाता है। अगली स्लाइड में इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। वही डायग्राम है, लेकिन थोड़ा बड़े साइज में। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जनरेटर का रोटर है और हाइड्रोजन सील की ये केसिंग है। उसके अंदर सील रिंग लगे हुए हैं जो हम देख सकते हैं। सील रिंग जहाँ पे रोटर के करीब है, वहाँ आप देखेंगे कि एक ऑयल की फिल्म बन रही है। ये ऑयल जो है हाइड्रोजन सील केसिंग में प्रवेश करता है और यहाँ पे ये देखिए दो स्थानों से बाहर निकलता है। एक तो हाइड्रोजन साइड में निकलता है, इसका मतलब है जनरेटर की तरफ। दूसरा एटमॉस्फेयर की तरफ निकलता है, इसको हम बोलेंगे ऑयल ड्रेन एट एयर साइड, और यहाँ बोलेंगे ऑयल ड्रेन एट हाइड्रोजन साइड। ऑयल का प्रेशर जो है हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। और ये देखिए ऑयल डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं ताकि ऑयल जो है जनरेटर की वाइंडिंग्स में ना चला जाए। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जनरेटर की वाइंडिंग को हम हाइड्रोजन गैस द्वारा ठंडा करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस जनरेटर की शाफ्ट के थ्रू लीक कर सकती है। जनरेटर की
जो रोटर की शाफ्ट है उसमें हमने सील रिंग लगा रखे हैं, लेकिन उस सील रिंग के थ्रू भी गैस जो है लीक कर सकती है, जबकि हमने सील को बिल्कुल एयर टाइट, गैस टाइट बना रखा है। ताकि हाइड्रोजन गैस लीक ना करे, इसलिए सील और शाफ्ट के बीच में एक निरंतर ऑयल की फिल्म बना दी जाती है, इस प्रकार से जैसा कि इसमें दिखाया है। ये ऑयल की फिल्म सील ऑयल द्वारा बनाई जाती है, तो इससे जो है हाइड्रोजन गैस बाहर लीक नहीं करेगी और बाहर की हवा इस ऑयल फिल्म की वजह से जनरेटर के अंदर नहीं जा पाएगी। सील ऑयल का प्रेशर हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, ताकि उस ऑयल प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल पाए और बाहर की हवा अंदर ना जा पाए। सील ऑयल फ्लो डायग्राम। वही डायग्राम है लेकिन थोड़े से बड़े साइज में। इसमें आप देख सकते हैं कि सील ऑयल के फ्लो के लिए दो सर्किट बने हुए हैं। एक सर्किट तो हाइड्रोजन साइड में है, यही पंप है। पंप जो है कूलर ऑयल को कूलर के थ्रू पास करता है, फिर फिल्टर के थ्रू पास करता है, फिर ये सील की तरफ जाता है और सील से लीक होकर के एक फिल्म बनाता हुआ शाफ्ट के ऊपर ये ड्रेन होता है और ड्रेन होके ये वापस सील ऑयल टैंक में जाता है। दूसरा जो सर्किट है वो इस पंप द्वारा बनाया जाता है। पंप जो है तेल को, सील ऑयल को कूलर के थ्रू पास करता है, फिर फिल्टर के थ्रू पास करता है, फिर ये सील की तरफ जाता है और सील से एयर साइड की तरफ फिल्म बनाता हुआ जो है वापस सील ऑयल स्टोरेज टैंक में जाता है। तो ये आपके दो सर्किट हो गए सील ऑयल के। एक तो है हाइड्रोजन साइड में सर्किट और दूसरा है एयर साइड में सर्किट। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया, एक तो है एयर साइड सर्किट और दूसरा है हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट। यह पंप जो है ये ऑयल को सक करता है सील ऑयल स्टोरेज टैंक से, उस ऑयल को कूलर के थ्रू फिल्टर के थ्रू पास करता हुआ एयर साइड सील पे ले जाता है और फिर यहां वापस सील ऑयल स्टोरेज टैंक में आता है। एयर साइड सील से जो ऑयल रिटर्न होता है वो वापस सील ऑयल स्टोरेज टैंक में आता है। ये दूसरा पंप है जो सील ऑयल को हाइड्रोजन साइड की सील पे ले जाता है। उसके पहले ऑयल जो है कूलर और फिल्टर से पास होता है, फिर ये हाइड्रोजन साइड सील से लीक करता है।
हाइड्रोजन सील साइट से जो ऑयल लीक करता है, ड्रेन करता है, उसको हम सील ऑयल टैंक में ले जाते हैं। सील ऑयल टैंक और सील ऑयल स्टोरेज टैंक के बीच में आपस में एक कनेक्शन है। यहाँ का ओवरफ्लो जो है, एक ओवरफ्लो फ्लोट वाल्व है, उसके थ्रू एक्सेस ऑयल जो है, ओवरफ्लो ऑयल, वो सील ऑयल स्टोरेज टैंक में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। क्योंकि सील ऑयल का प्रेशर हाइड्रोजन गैस के प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन इस सील के थ्रू एटमॉस्फेयर में लीक नहीं कर पाएगी। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन English language also.